हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमरस सखी। मैं हूं संध्या। आज मैं आपको ग्लैमरस सखी में मदर एंड सन के कैजुअल आउटफिट के कुछ आइडियाज बताने वाली हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक रील डाला था इंस्टा पे भी, और नहीं तो शॉर्ट्स भी डाले हैं यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर लीजिए। आपको नहीं पता होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल ये है, मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। बट मतलब बेटे के साथ नॉर्मली क्या होता है, लड़कियों के बहुत सारे आउटफिट्स रहते हैं और आप क्रिएट भी कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटी भी रहती है। बट लड़कों के लिए वैरायटी बहुत कम रहती है, बहुत मतलब बहुत कम। मतलब मैं मेरे बेटे के लिए शॉपिंग करती हूँ ना, तो बहुत मतलब मुझे शॉप्स ढूंढने पड़ते हैं। अभी तो नहीं ये कोरोना की वजह से, बट बहुत सारा वैरायटी देखना पड़ता है, तो उसके बाद कुछ अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने एकदम से मतलब नॉर्मल जो हमारे कैजुअल वेयर रहते उसमें ही आप अपना भी आउटफिट वैसे ही मिक्स एंड मैच कर सकते हो, और बेटे का भी, और मतलब कहाँ पे भी जाना है या कुछ फंक्शन है तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। बट अभी मैंने यहाँ पे ओनली कैजुअल आउटफिट के बारे में बताने वाली हूँ, और आपको एथनिक वेयर के बारे में बताना है मतलब चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और मेरे पास बहुत वैरायटी है मेरे बेटे का और मेरा, ऐसा मतलब मिक्स एंड मैच मैचिंग ही आउटफिट्स है। एथनिक वेयर में तो बहुत है मेरे पास, और कैजुअल वेयर में मेरे पास भी बहुत है, बट मैंने दो चार ही आपको आइडियाज देने के लिए बताया है। सो चलो फिर फर्स्ट जो है आउटफिट उसमें मैंने डाला है, यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगी। मैंने स्काई ब्लू कलर का टॉप पहना है, शॉर्ट कुर्ती और नीचे जीन्स, और मैंने बेटे को भी वही दिया। मतलब उसके पास एक स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट था, उसके नीचे जीन्स, उसको जीन्स तो बहुत पसंद है। बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि अभी बच्चे है तो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना जरूरी है, ना कि बड़ों की तरह कि अभी से ही जीन्स पहनो और वो सब। मतलब बड़े होने के बाद, मतलब जब जेंट्स होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो उनके पास एटलीस्ट बॉयज के लिए तो इतना मतलब वैरायटी है ही नहीं। नॉर्मली वो क्रॉस क्रॉस का शर्ट रहता है या फॉर्मल पैंट रहती है, जीन्स रहती है, उसके ऊपर टी शर्ट, बस हो गया। बट लेडीज के ऊपर, लेडीज के लिए तो बहुत वैरायटी रहती है। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि अभी छोटा है, बच्चा है, तब तक हम बहुत सारी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं सन के लिए, मतलब बेटों के लिए भी, और कलर कलरफुल भी वैरायटी कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होते हैं, जेंट्स भी ना थोड़े बहुत मतलब लिमिटेड कलर में ही वो रहते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कोई भी जेंट्स रहे वो अलग अलग कलर क्यों ना ट्राई करे, वो सावला होगा इसके लिए नहीं ट्राई करते। कोई कोई को पसंद नहीं है किसी किसी को, तो वो लोग नहीं ट्राई करते। बट मेरा ऐसा मानना है सावला रहे या गोरा रहे, कोई भी रहे, तो मतलब जेंट्स भी आप अलग अलग कलर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं मेरे बेटे के लिए बहुत सारे कलर्स ट्राई करती रहती हूँ। तो मेरा पहला कलर था, उसमें था मैंने स्काई ब्लू कलर का ये पहना था, शॉर्ट कुर्ता, नीचे जीन्स, और उसको भी वैसे ही दिया था स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट और नीचे जीन्स। मतलब जीन्स एक ऐसा ऑप्शन है आपको कि आप उसके ऊपर अलग अलग, मतलब उसके पास भी जीन्स है, बेटे के पास, खुद के पास भी एक जीन्स तो रहता ही है, और उसके साथ अलग अलग ऐसे मैचिंग आप पहन सकते हो। चलो अभी चलते हैं सेकंड जो आउटफिट था उसमें मैंने पहना है ब्लैक कलर का टॉप, उसको भी ब्लैक कलर का टी शर्ट दे दिया, वो भी ऐसे हुडी की तरह है, बट मैंने एज अ टी शर्ट उसको पहना है और नीचे जीन्स। तो ये मतलब कैजुअल वेयर में आता ही है और बहुत अच्छा आउटफिट्स है, क्योंकि आप मतलब कहाँ पे भी एज अ मतलब घूमने जाए, कहाँ पे भी फोटोशूट करना है, तो दोनों मैचिंग रहेंगे या तीनों मैचिंग रहेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये जीन्स के साथ कौन सा भी आउटफिट सेम कलर होना चाहिए, बट वो आप ट्राई कर सकते हो। ये था मेरा सेकंड। थर्ड में मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि उसको मैंने एज अ मतलब बच्चों के जो सूट रहते हैं, सेम सूट, जो ऊपर का टी शर्ट रहता है और नीचे का पैंट भी सेम कलर का रहता है, वैसे ऐसे पिंग पोंग पोंग कलर के, तो मैंने वैसे येल्लो कलर उसको दिया, क्योंकि नॉर्मली जेंट्स तो येल्लो कलर पहनते नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है और छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत क्यूट लगता है। सो आप ट्राई कीजिए जरूर कि बच्चों को, मतलब बेटे को भी येल्लो कलर पहनाने के लिए, और मैंने भी वैसे ही येल्लो कलर का ड्रेस पहन लिया, क्योंकि अभी उसके तरह मेरे में मैचिंग नहीं था मेरे पास। नॉर्मली आप जंप सूट भी पहन सकते हो, मतलब मम्मी ने, मदर ने जंप सूट पहना है और
बेटे ने वैसे ही जैसे वो सूट पहना है ऊपर का और सेम का टी शर्ट और नीचे पैंट, मतलब वो बाबा सूट की तरह, बट बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा ऐसे कलरफुल लगता है और बेटे मतलब बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। सो आप जरूर ये वैसा भी कॉम्बिनेशन। अभी चलते लास्ट लुक। लास्ट लुक में लुक था उसमें मैंने ट्राई किया है कुर्ती। मुझे कुर्ती पहनना बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप के कुर्ती, बट मेरे पास दो ऑप्शन थे उसमें। एक था मेरा वो स्प्लिट कट वाला, फ्रंट स्लिट कट वाला कुर्ती था, पर नीचे पेयर करने के लिए मेरे पास ब्लैक कलर था और उसने पहना था मेरे बेटे ने, मतलब रेड कलर का और नीचे ब्लू कलर का वो पैंट था, तो वो कॉम्बिनेशन कुछ जच नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि पूरा हम मैं रेड कलर का कुर्ती ही कर लेती हूँ और उसको रेड कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देती हूँ, क्योंकि रेड रेड उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप कभी भी जब मतलब बेटे के बारे में, खुद के बारे में जैसे सोचते हो कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वैसे ही बेटे के बारे में भी सोचा करो कि उसको क्या अच्छा लगेगा, मतलब दिखने में और उसको खुद को पहनने में, और उसको पहनाने के बाद वो कैसे लगेगा वो सोचना बहुत जरूरी है। सो ये नॉर्मल आउटफिट थे, कैजुअल आउटफिट में ये सब आउटफिट्स आते हैं, मतलब बाबा सूट आते हैं, नॉर्मल सूट्स आते हैं, जंप सूट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के बेटों के लिए भी जीन्स भी आती है, उसमें ऊपर अलग अलग फैशनेबल टी शर्ट्स आते हैं। मेरे पास मेरे बेटे के तो बहुत सारे टी शर्ट्स है, अलग अलग प्रकार के, ऐसे नहीं कि एक ही टी शर्ट है, कोई कोई कॉलर वाले लेते हैं, कोई कोई विदाउट कॉलर वाले लेते हैं, मैं ज्यादा करके विदाउट कॉलर वाले लेती हूँ, बट ऐसे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे भी बटन्स रहते हैं अलग अलग स्टाइलिश। यहाँ पे फ्रंट जो स्टर रहते हैं वो नॉर्मल हो गया है क्या, मतलब पुराने हो गए फैशन, अभी नए फैशन में यहाँ पे ऐसे साइड्स में बटन्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि जब लेडीज ऐसे मतलब सर्च करती है, और गर्ल्स के लिए तो बहुत 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 वैरायटी है बट बॉयज के लिए नहीं है यार। तो मैंने सोचा इसका एक ये वीडियो ही आपको मतलब शेयर करती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे परचेज करना है और सस्ते दाम में, सस्ते ही दाम में परचेज करना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसा खर्च करके ले लो एक ही सूट, क्योंकि नॉर्मली बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जो पहनाने का जो कपड़े है वो छोटे छोटे हो जाते, तो ऐसे करो कि कम ही मतलब सस्ते दाम में ही वो स्टाइलिश भी लगे और अपनी मतलब जो फैशन की ये है मन जो है वो पूरा भरा रहे, क्योंकि हाँ यार बेटे ने भी अच्छा स्टाइलिश कुछ पहना है, अच्छा लगता है। तो एज अ मदर मुझे ऐसे लगता है कि हम स्टाइलिश रहते तो बेटा क्यों नहीं रहे यार, मतलब बेटी बेटियां तो कर सकते, बेटियों को तो बहुत वैरायटी है, बट बेटों को भी है ना, तो वो ट्राई कीजिए जरूर। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत जो आउटफिट्स के आइडियाज बताए वो आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक दे दीजिए, मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक दे दीजिए, इंस्टा पे आप फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ग्लैमरस सखी, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पे भी मैंने ये रील डाली है, प्लीज चेकआउट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।